जो काम हम इस जन्म में करके जाते हैं वो काम हमारे नेक्स्ट जन्म को डिसाइड करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कहते हैं हमारे वेद पुराण। स्पेशली मेंशन करें तो तत्व बोध में ये साफ साफ लिखा है। अगर हम अपने कार्मिक टास्क जो हमें लाइफ में दिए हैं उनको फुलफिल कर ले तो हमारी लाइफ भी एकदम फुलेस्ट फॉर्म में हमारे को हेल्प कर सकती है। आज बात करने वाले हैं, अगर आपका बर्थ या डेस्टिनी नंबर 1 है तो आपके लिए क्या क्या कार्मिक टास्क है जो आपको इस लाइफ में करना ज़रूरी है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम त्रिशा जैन है एंड आई एम द यंगेस्ट ऑकल्टिस्ट। नंबर 1, फाइंड योरसेल्फ। यू डेफिनेटली नीड टू फाइंड योरसेल्फ बिकॉज आपको इस दुनिया में भेजा है अपने आप को जानने के लिए। जो सूरज की गर्मी मिलती है ना नंबर 1 वालों को, बिकॉज नंबर 1 इज़ रूल्ड बाय सन। सो ऐसे लोगों में सूरज की वार्म तो बहुत होती है पर इन द प्रोफेशनल लाइफ। बट व्हाट अबाउट योर पर्सनल लाइफ? आपको अपने इनर सेल्फ को भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो पहला टास्क ये है कि इनको अपने आप को जानना चाहिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहिए। पर सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डेवलपमेंट इतना आसान नहीं होता है, इसमें सालों भी लग जाते हैं लोगों को। पर जिस दिन ये अपने आप से सेल्फ अवेयर हो जाएंगे उस दिन इनका लाइफ का वो मोस्ट सेटिस्फाइंग दिन होगा। अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करने के लिए ये लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं, उसमें भी इनको बहुत बेनिफिट मिलते हैं। नंबर 2, भीड़ से अलग होकर काम कीजिए। अगर सब एक चीज़ को कॉपी कर रहे हैं तो आपका टास्क ये है कि आपको भीड़ में नहीं जुड़ना है, आपको भीड़ से अलग रह के काम करना है। क्योंकि सन जो है कभी और तारों के साथ नहीं उगता, सूर्य हमेशा अकेला उगता है और तभी वो भीड़ से अलग अकेला चमकता है। नंबर 3, अगर आप किसी की वेट करते रहेंगे तब तक वेट में ही रह जाएंगे, यानी कि बिकम सेल्फ सफिशिएंट। आपको सेल्फ सफिशिएंट बनने की वो ज़रूरत है। अगर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली कोलीग्स इनके वेट में रह गए कि अरे वो नहीं है अभी अकेला मन महसूस हो रहा है, सो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। अकेले रहना, सेटिस्फाई रहना, खुद में खुश रहना सीखिए, यही आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो की रोल बनेगी सक्सेसफुल के तरफ। 4th, टेक योर ईगो अंडर योर कंट्रोल। आपका ईगो आपको ओवरकम कर सकता है, यानी कि आपका ईगो आपके लिए खुद से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। सो हमें ईगो का गुलाम नहीं बनना, ईगो को अपना गुलाम बनाना है, अपने ईगो को बैलेंस करना है, कंट्रोल करना है, स्पेशली जैसे कि हम बात करें नंबर 1 वालों के लिए। सो ये थे उनके कुछ टास्क, कार्मिक टास्क। अगर आपको इसमें और डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो कीजिए त्रिशा जैन द यंगेस्ट ऑकल्टिस्ट। हरे कृष्णा।